हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे वीएमसी मशीन में हमें एक्स और वाई के ऑफसेट किस प्रकार से लेने हैं। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने एक पीस है। यहाँ पर ये पीस का मुझे एक्स और वाई का ऑफसेट लेना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक टूल लगाना होगा, और यहाँ पर हम टूल लगा देते हैं जो है एक्सपेंडर, जिसे हम एक्सपेंडर बोलते हैं, जो ऑफसेट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो, ये है वो टूल जिसका नाम है एक्सपेंडर, जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है और वो हमें ऑफसेट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। हमें दोस्तों यहाँ पर पीस में सेंटर की तरफ ऑफसेट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मोड़ के बटन पे आएंगे। तो यहाँ पर हमें हैंडविल चलाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मोड़ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम झोंक मोड़ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, ये हैंडविल है। यहाँ से उसकी स्पीड है हैंडविल की, वो फास्ट और स्लो होती है। और यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जो एक्सिस है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको चलाना होता है। तो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से हैंडल को चलाया जाता है। यहाँ से ये व्हील की मदद से आप जो भी एक्सिस चलाना चाहो वो चला सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम हमारे स्पिंडल को यहाँ पर सेंटर की तरफ ले जाते हैं पीस के एक्स और वाई और जेड की मदद से। यहाँ पर दोस्तों हम हमारे टूल को सेंटर की तरफ लेके जाएंगे, जो आप देख सकते हो, यहाँ पर एक्सिस को मूवमेंट करवाकर उसे सेंटर की ओर ले जाएंगे। और यहाँ पर हमें अभी हमारा स्पिंडल है वो रोटेट करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्पिंडल घुमाने का कोड डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें MDI मोड सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें सबसे पहले MDI मोड सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम में जाना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है जो हमारे स्पिंडल का कोड है M03। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे M03, उसके बाद S500। तो आप देख सकते हो M03S500, हमारा जो स्पिंडल है वो 500 की स्पीड में रोटेट करेगा। और यहाँ पर इंसर्ट, और हमें अब यहाँ पर स्टार्ट बटन को, साइकिल स्टार्ट को ऑन करना है। तो हमारा जो यहाँ पर स्पिंडल है वो रोटेट होना चालू हो जाएगा। अभी दोस्तों सबसे पहले मुझे यहाँ पर वाई का ऑफसेट लेना है। तो हम पहले यहाँ पर झोंक मोड़ पे जाएंगे, उसके बाद हम हमारा जो वाई का एक्सिस है उसे घुमाएंगे, और हमारा जो एक्सपेंडर है उसे वाई में हम टच करवाएंगे। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें वाई में ले जाना है हमारे एक्सपेंडर को। तो हमें दोस्तों यहाँ पर जो पीस में आईडी दिख रहे हो, वहाँ पर हमें एक्सपेंडर को टच करवाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रोग्राम में जाना है, और उसके बाद यहाँ पर ऑल एक्सिस में जाना है। आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑल एक्सिस में जाना है, और यहाँ पर हमें OPRT में जाना है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिन में जाना है, और यहाँ पर ऑल एक्सिस सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम यहाँ पर ऑल एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर रिलेटिव में यहाँ पर सब जगह पर 0-0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर सब जगह पर 0-0 हो चुका है। अभी हमें एक्सिस को सामने की तरफ टच करवाना है, एक्सिस को, वाई एक्सिस को हमें सामने की तरफ टच करवाना है। तो हमें हमारी वाई एक्सिस को सामने की तरफ लेके जाते हैं। वहाँ पर हमें यहाँ पर जो एक्सपेंडर है उसको हमें थोड़ा सा आउट करना है और वापस हमें टच करवाना है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से मैं ऑफसेट ले रहा हूँ। ये हमारा थोड़ा सा
आउट होना चाहिए, तब जाके ये यहाँ पर सही आता है हमारा ऑफसेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर हमने 00y किया था वहाँ पर अभी 40.08 हो चुका है, और हमें यहाँ पर सेंटर हमारा ऑफसेट लेने के लिए 40.08 का हमें आधा करना होगा, यानी कि 20.04। तो हमें वापिस हमें वाई का जो एक्सिस है उसे हमें 20.4 तक लेके आना है। तो मैं यहाँ पर 20.4 तक लेके आ रहा हूँ। तो ये हमारा एक्सपेंडर है, टूल है, वो यहाँ पर सेंटर की तरफ धीरे धीरे आ रहा है, और यहाँ पर हमें 20.04 रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो वाई का एक्सिस है वो 20.4 मैंने रख लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर 20.4 हो चुका है। यह आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक्सपेंडर है वो सेंटर में आ गया है। तो यहाँ पर हम हमारे जो वाई का एक्सिस है वहाँ पर हम 0.0 करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें प्रोग्राम देखना पड़ेगा कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो किस में बना है, G55 में बना है, G54 में बना है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है वो G54 में बनाया हुआ है, तो हमें जो ऑफसेट लेना है वो G54 में ही लेना है। यहाँ पर हम ऑफसेट बटन पे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ होगा G54। यहाँ पर हमें Y के एक्सिस पे जाना है और यहाँ पर हमें Y पे लिखना है Y 0.0, और यहाँ पर हमें मेजर कंट्रोल को दबाना है। जैसे ही हम यहाँ पर मेजर कंट्रोल को दबाएंगे तो यहाँ पर जो आप रीडिंग देख रहे हो वो कुछ चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा जो वाई का ऑफसेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोस्तों हमारा वाई का ऑफसेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक्स का ऑफसेट लेना है, तो हम हमारे जो कल्चर है यहाँ पर जो हैंडविल उसे हम एक्स के ऊपर लेके जाएंगे, और जिस तरह से हमने वाई का ऑफसेट लिया था उसी तरह से हम एक्स का भी ऑफसेट लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंडर है वो एक्स में टच करवा लिया है आईडी में। यहाँ पर जैसे ही ये आउट होगा थोड़ा सा आप देख सकते हो, तो यहाँ पर उसी तरह से हमें यहाँ पर पहले एक्सिस को है वो 0.0 कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रोग्राम में आना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर ऑल पे जाना है, और यहाँ पर हम ओपीआर टीम जाएंगे। यहाँ से हमें ओपीआर टीम जाना है और उसके बाद ओरिजिन में जाएंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पर ऑल एक्सिस। जैसे ही मैं ऑल एक्सिस को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर सब 0.0 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 0.0 हो चुका है। अभी वापिस हम इसकी सामने की तरफ एक्स को टच करवाएंगे और रीडिंग है वो कितना आ रहा है वो हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने है वो टच करवा लिया है और हमारा जो एक्सपेंडर है वो थोड़ा सा आउट हो चुका है। तो अब देख लेते रीडिंग कितना आया हुआ है एक्स की वैल्यू में। तो यहाँ पर दोस्तों रीडिंग आया हुआ है 40.100, यानी कि इसका जो आधा हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20.50। तो यहाँ पर है एक्स की एक्सिस है वहाँ पर सेंटर की तरफ हम लेके आएंगे, और यहाँ पर हम 20.50 तक लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 20.05, और आप सेंटर में भी देख सकते हो यहाँ पर सेंटर की तरफ हमारा एक्सपेंडर है वो आ चुका है। तो उसी तरह से दोस्तों हमें वापस ऑफसेट लेने हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑफसेट में जाना है। अगर आपका यहाँ पर ऑफसेट है वो ओपन नहीं है, कुछ इस तरह से ओपन है, तो आपको पहले यहाँ पर वर्क में जाना है। जैसे ही आप वर्क के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने G55 G54 का ऑफसेट आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम x की वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे X 0.0, और यहाँ पर हम दबाएंगे मेजर को। जैसे ही हम मेजर को दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा रीडिंग है वो कुछ चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारा जो x का ऑफसेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें x और y का ऑफसेट लेना है। तो दोस्तों आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।